दोस्तों आपको सीधे प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है फ्लोटिंग विंडो ऐप मल्टीटास्किंग। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ और यहाँ पे ओपन करने का एक ऑप्शन आता है। जैसे इस ओपन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सेकेंड नंबर पर एनेबल नाउ पर क्लिक करता हूँ। एनेबल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद परमिट ड्राउ ओवर अदर ऐप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों इसको ऑन करने के बाद फर्स्ट नंबर पे ग्रैंड नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे डेनी अलाउ का ऑप्शन आएगा। एम इसको भी अलाउ कर देता हूँ। फिर से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों क्लोज के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। डायलर यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे दिया है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आपके सामने डायलर खुल गया है। यहाँ पे आप फोन भी लगा सकते हैं। दोस्तों आपको किसी को भी कॉल यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको आइकन भी बन जाएगा। दोस्तों आइकन का भी आप सुविधा यहाँ पे आपको मैं होम बटन को ऊपर क्लिक करके इसके होम के ऊपर ला दिया हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, मैं कॉल को भी ओपन कर दिया हूँ। दोस्तों फिर से आप होम बटन को दबा देता हूँ और जियो टोबी भी खोल सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर से मैंने आपको यहाँ एक सेटिंग पे आ गया है, ब्राउजर खोलने का मुझे ऑप्शन मिल रहा है। मैं ब्राउजर को खोल रहा हूँ। इस ब्राउजर इंटरनेट का ब्राउजर है। दोस्तों इस इंटरनेट में मैं आपको सामने हिंदी वीडियो लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर दिया हूँ। दोस्तों आपके सामने यह रिजल्ट देखने को आ जाएगा। दोस्तों इस रिजल्ट को आप देख सकते हैं, बिल्कुल रियल सा है। दोस्तों फिर मैंने होम के बटन पे क्लिक कर दिया हूँ। जैसे मैं होम के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा सारा ऐप आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों वहाँ पे फिर वहाँ पे ये जो हम स्क्रॉल करके आपको दिखा रहे हैं, आप इसी के ऊपर क्लिक करना है, आपको इसके होम के बटन पे आ जाएगा। दोस्तों इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, अपना वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूँ, दोस्तों रिकॉर्ड होना चालू हो गया है। फिर ये ब्लैंक जो आपको दिख रहा है, ये जो निशान, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यह दोस्तों यह रिकॉर्डिंग का आइकन बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैंने लूडो गेम बहुत खेलता हूँ, मैं लूडो गेम को ओपन कर दिया है। इस लूडो गेम के ओपन करने के बाद में फिर याद आया हमको फ़ोटो खींचना है। दोस्तों उसी के ऊपर क्लिक करके मैं कैमरा के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ, कैमरा ओपन हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं फ़ोटो यहाँ हमको पेन का खींचना है। दोस्तों पेन के नीचे कैमरा के नीचे पेन है, मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही फ़ोटो के ऊपर क्लिक किया, पेन का फ़ोटो आ गया। दोस्तों यह सेटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक है। यह वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, इसमें आपको बहुत सारे सेटिंग मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। जैसे कि आप एक मोबाइल स्क्रीन पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस सभी चीज़ों को अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो यह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक एप्लीकेशन है जिसका नाम फ्लोटिंग विंडोज़ है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। दोस्तों यहाँ पे मैं लूडो गेम खेल रहा था, लेकिन हमको यूट्यूब देखना है। दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप यूट्यूब वीडियो देखते देखते गेम भी खेल सकते हैं। जैसे कि डायलर पैड आ गया, इस पे 198 कॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ओके पर क्लिक किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सेकंड चलने लगा। आप बात करते करते आप यूट्यूब वीडियो देख लीजिए और देखते देखते आप फ़ोन को कट कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने कट कर दिया और YouTube वीडियो चलने लगा। दोस्तों फिर दोस्तों वीडियो स्क्रॉल करके ऊपर छोटा नीचे और बड़ा कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे दूसरे स्क्रीन पे आप ये सेटिंग खोल सकते हैं, जैसे कि मैं खोल दिया नोटबुक खोल दिया। दोस्तों नोटबुक खोलने के बाद ऊपर में एक हेडिंग लिखता हूँ, जैसे कि FUTURE फ्यूचर टेक 998 TECH। दोस्तों यह हेडिंग हमारा हो गया। हेडिंग के नीचे भी हम आपको कुछ लिख देते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख देंगे। जितना मर्जी आप इसमें लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसे अपने चैनल का नाम लिख दिया है। दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक तरीका है। यह सेटिंग अपने मोबाइल में ज़रूर कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो यूट्यूब का चल रहा है, नीचे आप सेटिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे आप जो भी कुछ बोल रहे हैं
रिकॉर्डिंग हो रहा है। दोस्तों आप इंटरनेट चलाते चलाते कुछ पढ़ते पढ़ते रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आइकन बन के आ गया है। दोस्तों अपने स्क्रीन पर इस तरह के आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, आपके स्क्रीन पर ऐसे ऐसे सेटिंग मिलते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और स्पेशल है। इस वीडियो में आप देखिए, आप इंटरनेट के काम करते हैं और आपको फोटो देखने का, फोटो का काम करना है, बार बार गैलरी खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इस गैलरी को अपने गूगल के ऊपर रख लेना है और काम करते करते अपना फ़ोटो इस्तेमाल करते रहिए। फ्लोटिंग विंडोज़ दोस्तों यह एक सेटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेटिंग है और इस सेटिंग से आप अपने मोबाइल में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल एक साइड आपका कैलकुलेटर ओपन रहेगा, दूसरा साइड डायलर पैड ओपन रहेगा, किसी को कॉल कर सकते हैं, साथ में आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होता रहेगा, बगल में आपका व्हाट्सअप खुला रहेगा, बगल में आपका फेसबुक ओपन रहेगा। इस तरीके से एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका फ्लोटिंग विंडोज में आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपको यूट्यूब की ज़रूरत है तो यूट्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका यूट्यूब स्क्रीन छोटे से खुल जाएंगे और उसके दूसरे चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप अपने डायलर पैड ओपन कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सभी चीज़ों को आपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चलता हूँ और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।